नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जावेद अख्तर के बयान पर मौलाना सैफ अब्बास ने जताया ऐतराज। महिलाओं को कई विवाह करने की राय दी गई सैफ अब्बास। इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम है सैफ अब्बास। मीडिया में बने रहने के लिए उलझलूल बयान देते हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर के बयान का महिलाओं को विरोध करना चाहिए सैफ अब्बास। जावेद अख्तर का बयान देश की तहजीब और परंपरा पर हमला है सैफ अब्बास। जावेद अख्तर जब तक माफ़ी ना मांगे उनको नहीं छोड़ना चाहिए सैफ अब्बास। शायद वह आम आदमी की ज़िंदगी को फिल्मी ज़िंदगी समझ रहे हैं जावेद अख्तर। लखनऊ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो सिराज अधर की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपके ज़रिए से जो बयान का पता चला कि जिसमें महिलाओं को पतियों की तरह कई विवाह करने की राय दी गई है, मशवरा दिया गया है, ये इंतहाई अफसोसनाक बयान है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है, क्योंकि कुछ लोग हमारे मुल्क के अंदर इस तरीके से उल जलूल बयान देकर मीडिया में बने रहने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं में से भी ये एक साहब हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। देखिए, जो जावेद अख्तर साहब ने बयान दिया है, उस बयान का तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी देश की महिलाओं को कड़ा विरोध करना चाहिए और उनसे बगैर माफ़ी मंगवाए उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बयान के ज़रिए से हमारे देश की जो तहजीब है, हमारे देश की जो परंपरा है, उसके ऊपर हमला किया है। आप देखिए, अगर कोई महिला अगर उसका पति जितना भी ख़राब हो, वो उसके साथ अत्याचार करता हो, लेकिन कभी महिला दूसरा विवाह करने के बारे में नहीं सोचती है। वो उसी विवाह को निभाना चाहती है, उसी निकाह को निभाना चाहती है जो उसके घर वालों ने कर दिया है जुल्मों के बाद भी। तो ऐसी महिलाएं जहां अपने ऊपर जफा करके अपनी लाज, अपने कैरेक्टर को बचा के रखती हैं, वहाँ इस तरह का मशवरा देना अफसोसनाक है, निंदनीय है। इस हमले को जो इन्होंने जावेद अख्तर साहब ने बयान दिया, मैं समझता हूँ पूरे देश की महिलाओं को मिलके इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और जावेद अख्तर साहब से बगैर माफ़ी के उनको उस वक्त तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक वो माफ़ी ना मांगे।